क्या विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार का जन्म ऑलरेडी हो चुका है? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि कल्कि अवतार तो कलयुग के अंत में जन्म लेने वाले थे और कलयुग का टोटल ड्यूरेशन तो 4,32,000 साल का है। लेकिन रियलिटी में क्या आपको पता है कि त्रेता युग और द्वापर युग का ड्यूरेशन भी 12,96,000 और 8,64,000 साल लिखा हुआ था। लेकिन कई सारे सबूत से हमें ये पता चला है कि द्वापर युग आज से करीब 5,000 साल और त्रेता युग आज से करीब 7,000 साल पहले बीत चुका है। मतलब युग बस कुछ हजार सालों में ही खत्म हो रहे हैं। तो क्या कलयुग का अंत भी नजदीक है? चलिए आपको एक और शॉकिंग चीज बताते हैं। सदगुरु के हिसाब से कलयुग ऑलरेडी खत्म हो चुका है और अभी हम द्वापर युग में जी रहे हैं और ईयर 2082 में द्वापर युग भी खत्म हो जाएगा और हम त्रेता युग में पहुंच जाएंगे। इस वीडियो में हम उन सारे सोर्सेस जो मुझे रिसर्च के दौरान मिले हैं उनसे ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सारी बातों में से सच क्या है और एग्जैक्टली कब कल्कि अवतार का जन्म होगा और कलयुग का अंत होगा। सबसे पहले सदगुरु से शुरू करते हैं। उनके हिसाब से कलयुग कुछ हजार साल पहले खत्म हो चुका है और अभी हम द्वापर युग में जी रहे हैं। So right now we are moving into Treta Yuga, which is the second best time. जब मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया तब मैं भी शॉक्ड था क्योंकि मुझे ऐसे दो चीजें मिले जो सदगुरु के इस थ्योरी को सही प्रूव करते हैं। उनमें से पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है वेद। अगर वेदों में देखे तो युग का टोटल ड्यूरेशन करीब 12,000 साल बताया गया है जिसमें से कलयुग बस 1200 साल का है और इस हिसाब से कलयुग ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब दूसरी चीज जो इसको सपोर्ट करता है वो है परमहंस योगानंद के गुरु श्री युक्तेश्वर जी की किताब दी होली साइंस, जिसमें वो लिखते हैं कि युगों का टोटल ड्यूरेशन 12,000 साल की ही होती है लेकिन युग का जो साइकिल है वो टोटल 24,000 साल का होता है। इसको ऐसे समझिए कि पहले हम सतयुग से कलयुग आते हैं फिर हम वापस कलयुग से सतयुग की ओर जाते हैं और ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि धरती में कोई भी चेंज इतना सडनली नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि आज कलयुग है और अचानक कल से सब अच्छे हो जाएंगे और कल से सतयुग शुरू हो जाएगा। चीजें धीरे धीरे समय के साथ बदलती है। इसको अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे अर्थ का जो एक्सिस है वो हर 24,000 साल बाद एक कंप्लीट सर्कल बनाता है जिसके कारण लगभग हर 24,000 साल बाद हर मौसम अपने आप को एक्सैक्टली रिपीट करते हैं सेम तरीके से। और एंशियंट ग्रीस की किताबों में भी 24,000 साल का एक परफेक्ट ईयर माना गया है। और अगर इसके हिसाब से हम दो कलयुग को एक के बाद एक रखते हैं फिर कलयुग का टोटल ड्यूरेशन करीब 2,500 साल का आता है जिसका मतलब फिर से यही निकल रहा है कि कलयुग ऑलरेडी खत्म हो चुका है। लेकिन थोड़ा और रिसर्च करने के बाद मुझे दो ऐसे चीजें भी मिले जो इसको पूरी तरीके से गलत प्रूव करता है और वो है पुराण और श्रीमद् भगवद गीता। क्योंकि पुराणों में एक कॉन्सेप्ट है दिव्य वर्ष का, मतलब वेदों में जो युगों का ड्यूरेशन 12,000 साल बताया गया है वो दरअसल 12,000 दिव्य वर्ष है जिसको ह्यूमन ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें उससे 360 मल्टीप्लाई करना होगा। अब अगर हम कलयुग जो कि 1200 साल का बताया गया है उससे अगर 360 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल 4,32,000 साल का आता है। और अगर हम ये मान लें कि दो कलयुग एक के बाद एक आती है फिर कलयुग का ड्यूरेशन ही 8,64,000 साल हो जाएगा। दूसरी चीज जो इसको गलत प्रूफ करता है वो है कल्कि पुराण और श्रीमद् भगवद गीता। क्योंकि कल्कि पुराण में हमें कल्कि अवतार के बारे में बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बताया गया है और भगवद गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि हर युग के अंत में वो अवतार धारण करते हैं और पाप का अंत करके धर्म की स्थापना करते हैं। और क्योंकि कल्कि अवतार अभी भी नहीं आए हैं इसका मतलब हम मान सकते हैं कि कलयुग का अंत अभी भी नहीं हुआ है। तो एग्जैक्टली कब खत्म होगा ये कलयुग? अगर हम द्वापर युग और त्रेता युग के टाइमलाइन का पता कर ले तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि कलयुग कब खत्म होगा, क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा कि रियलिटी में युगों का ड्यूरेशन वेदों को फॉलो कर रहे हैं या फिर पुराणों को। और ये करने के लिए हम रामायण और महाभारत में जो एस्ट्रोनॉमिकल डेटा दिया गया है उनका सहारा लेंगे। रामायण में हमें भगवान राम के जन्मदिन के प्लेनेटरी पोजीशंस दिए गए हैं। जब उस डेटा को प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर में डाला गया तो वो डेट निकल कर आया 10 जनवरी 5114 BC। मतलब आज से करीब 7,000 साल पहले हम मान सकते हैं कि रामायण हुआ था।
सिमिलरली महाभारत में भी हमें बताया गया है कि 18 दिन के महाभारत के युद्ध में दो ग्रहण हुए थे। अब दो ग्रहण इतने जल्दी तभी हो सकते हैं जब एक सूर्य ग्रहण हो और दूसरा चंद्र ग्रहण। और इस डेटा को जब चेक किया गया तब मिला कि ऐसा पिछले 5000 वर्ष में कई बार हुआ है, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 बार ही ऐसे हैं जो महाभारत के समय से मैच करते हैं। और इससे हमें ये देखने को मिलता है कि रामायण और महाभारत में सिर्फ 2000 साल का ही फर्क आ रहा है। लेकिन क्योंकि इतने सालों में प्लैनेट्स कई बार सेम पोजीशंस रिपीट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको फाइनल कंक्लूजन नहीं मान सकते। इसलिए हम अब आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स का सहारा लेंगे। आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स में हमारे पास फिलहाल दो चीजें हैं। एक राम सेतु, जिसका कार्बन डेटिंग करके मिनिमम 7 से 8 हजार साल पुराना बताया जा रहा है, और दूसरा बे ऑफ खम्बत में द्वारका नगरी का मिलना, जिसके अर्ली कार्बन डेटिंग में तरह तरह के स्क्रिप्चर्स, दीवार और हड्डियों से ये पाया गया है कि वो नगरी कम से कम 9000 से 10000 साल पुराना है। यहाँ द्वारका नगरी राम सेतु से पुराना निकल रहा है, ये इसलिए हो सकता है क्योंकि शायद द्वारका नगरी उस टाइम फ्रेम तक एग्जिस्ट करता था। मतलब इससे हमें साफ पता चलता है कि रामायण और महाभारत के बीच बहुत ज्यादा सालों का अंतर नहीं है। और इन सब से हमें साफ पता चल रहा है कि युग लाखों साल वाले टाइम फ्रेम को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो कलयुग कब खत्म होगा वो पता करने के लिए जो लास्ट सोर्स हमारे पास बचा है वो है भविष्य मालिका। दरअसल आज से लगभग 600 साल पहले उड़ीसा में 5 संतों के एक ग्रुप ने मिलकर भविष्य मालिका नाम की एक किताब लिखा था, जिनमें से एक अच्युतानंद दास को दिव्य दृष्टि प्राप्त था, जिसके सहारे उन्होंने कलयुग में घटित होने वाले कई सारे भविष्यवाणियां उस किताब में लिखी थी। उन भविष्यवाणियों में कुछ तो गलत प्रूव हुए, लेकिन इसके साथ कई सारे सही प्रिडिक्शंस भी है जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस किताब में ये भी लिखा गया है कि कलयुग का धाम मतलब जगन्नाथ पुरी का मंदिर कलयुग के अंत में पानी में डूब जाएगा, और कलयुग का जो फाइनल बैटल होगा वो कटक के एक फोर्ट में लड़ा जाएगा। और उस किताब में उन्होंने इसका प्रॉपर डेट भी मेंशन किया है कि ये सब कुछ साल 2020 से लेके 2025 के बीच होगा, मतलब कलयुग 2025 तक खत्म होने वाला है। और क्योंकि जगन्नाथ पुरी कलयुग का धाम है, इसलिए इस किताब को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता। जगन्नाथ पुरी चौथे धाम होने के साथ ये जगह बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि महाभारत में हमें देखने को मिलता है कि कृष्ण के ह्यूमन फॉर्म की मृत्यु के बाद जब उनके शरीर को जलाया गया तब उनका पूरा शरीर जल गया, लेकिन उनका जो हर्ट था वो नहीं जला। और लोगों का ऐसा मानना है कि वो इसलिए हुआ क्योंकि वो कोई भी नॉर्मल हर्ट नहीं था, वो एक मशीन टाइप चीज था जो लाइट के कॉन्टेक्ट में आने पर वाइब्रेट करता था। और वो चीज अभी के दिन में जगन्नाथ पुरी के मेन आइडल के वुडन स्टैचू के अंदर रखा गया है, और हर 12 साल बाद इंटायर पुरी के इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ करके उस हर्ट को लॉर्ड जगन्नाथ के पुराने आइडल से नए आइडल में शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि समय के साथ वो चीज लकड़ी के बने आइडल को खराब कर देती है। तो इस वीडियो में बताए गए सारे फैक्ट्स और एविडेंस के हिसाब से हम पहला कंक्लूजन बना सकते हैं कि कलयुग अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और दूसरा कंक्लूजन हम ये मान सकते हैं कि कलयुग का अंत 432,000 साल बाद भी नहीं होगा, बल्कि उससे बहुत जल्दी होगा। कलयुग कब खत्म होगा उसके एग्जैक्ट समय का कोई भी प्रूफ हमें नहीं मिला है, लेकिन अगर हम भविष्य मालिका को देखें तो उसके हिसाब से कलयुग 2025 तक खत्म होने वाला है। After exhibition